क्या आपने भारत के किसी फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट किया है? अगर किया है तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज की वीडियो में हम एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की बात करेंगे। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूँ मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहाँ हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। आज बात करेंगे एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स के बारे में और देखेंगे कि इनका बिजनेस और इनके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। आज के तारीख में ये भारत की 13th लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, और डोमेस्टिक मार्केट में HIV एंटीवायरल्स और गायनेकोलॉजी के सेगमेंट में इनका काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट कुछ इस तरह दिखता था। 24.09% रेवेन्यूज कंपनी ने गायनेकोलॉजी सेगमेंट से कमाए, 15.7% कार्डियोवैस्कुलर सेगमेंट से और 10.97% एंटी इन्फेक्टिव से, और बाकी के रेवेन्यूज आपके स्क्रीन पर है। अब यहां पर अगर हम प्रोडक्ट कैटेगरी के सेंस में कंपनी के रेवेन्यू स्प्लिट को देखें तो 40% रेवेन्यूज आते हैं अनब्रांडेड जेनेरिक्स से, जो बेसिकली एक काफी लो मार्जिन सेगमेंट होती है। उसी के साथ 53% रेवेन्यूज आते हैं ब्रांडेड जेनेरिक सेगमेंट से। अब सिर्फ 4% जो कंपनी के रेवेन्यूज है वो ब्रांडेड पैटेंटेड प्रोडक्ट से आते हैं और 3% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स से। अब यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ, ये जो रेवेन्यू स्प्लिट है ना, ये इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। ये क्यों हम आपको वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। एज ऑफ नाउ एमक्योर के भारत में 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जहां पर जो सारी दवाइयां बनती है वो 70 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। एमक्योर के सिर्फ 48.28% रेवेन्यूज भारत से आते हैं और बाकी के सारे रेवेन्यूज एक्सपोर्टिंग से। इस कंपनी के सबसे बड़े कस्टमर्स यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, जहां से 21.38% और 13.94% रेवेन्यूज आते हैं रिस्पेक्टिवली। रीसेंट टाइम्स में एमक्योर ने 3 अलग अलग कंपनीज की एक्विजिशन भी कंप्लीट की, टिलोमेड फार्मा, मार्कन और मंत्रा नाम की। इनको इसलिए किया गया ताकि इन कंपनीज की जो लाइसेंसिंग कैपेबिलिटीज है वो भी एमक्योर के पास आ जाए। अब यहाँ पर एक और बात जान लीजिए, कई बार एक्विजिशन सुन के इन्वेस्टर्स काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन एक्विजिशंस का फायदा एक कंपनी को हुआ है या नहीं, ये आपको सिर्फ लॉन्ग रन में दिखेगा। क्योंकि जब भी एक कंपनी छोटी कंपनी को अक्वायर करती है तो उससे बनती है सिनर्जीज। अब इन सिनर्जीज का इफेक्ट आपको 1 या 2 सालों में नहीं, बल्कि 5 से 10 सालों के ऊपर दिखता है। सिनर्जी मतलब दो कंपनीज के एक होने की वजह से जो फायदे मिलते हैं वो। जैसे मान लीजिए एक बड़ी कंपनी है जिसके पास एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और एक छोटी कंपनी है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और ज्यादा एफिशिएंट है। तो जब ये बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को अक्वायर करती है तो उन दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के मिलने की वजह से जो कॉस्ट सेविंग्स होते हैं, जो स्पीड बढ़ती है, उन चीजों को हम सिनर्जीज बोलते हैं। तो अब ये सिनर्जीज आई या नहीं, ये तो आपको सिर्फ लॉन्ग रन बताएगी। अब अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ देखें तो कंपनी के जो सेल्स है वो सिर्फ 7% के CAGR से ग्रो हुए और कंपनी के अर्निंग्स 20% के CAGR से। लेकिन अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि ये जो 20% का नंबर आप देख रहे हो वो सिर्फ एक कैलकुलेशन है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अर्निंग्स वॉलेटिलिटी भी काफी ज्यादा थी। 2022 साल में कंपनी ने अपने हाईएस्ट एवर अर्निंग्स रिपोर्ट किए, लेकिन उस पॉइंट से आज तक कंपनी फिर एक बार ये नंबर टच नहीं कर पाई है। प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग और इनपुट कॉस्ट हैं वो तो कम हो गए, लेकिन एम्प्लॉई कॉस्ट और मिसलेनियस कॉस्ट के ऊपर जाने की वजह से कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन श्रिंक हो गई। ऑलमोस्ट 24% से ये मार्जिन 18% पे आ गई, और पिछले कुछ सालों में सेल्स ग्रोथ तेजी से ना होने की वजह से कंपनी के अर्निंग्स पर प्रेशर आ गया। अब वैल्यूएशन की तरफ देखें तो करेंटली एमक्योर फार्मा का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 47x के आसपास है, जहां पर फार्मा इंडस्ट्री का एवरेज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 36x के आसपास है। तो आप इसको स्लाइटली एक्सपेंसिव मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सिल्वर लाइनिंग भी है। वो ये है कि एमक्योर फार्मा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पर भी काफी ज्यादा स्पेंड करती है। करंटली इनके पास 5 R&D फैसिलिटीज है, जहां पर 548 साइंटिस्ट पेंडिंग है, और इनके थ्रू ये करंटली 220 पैटेंट्स होल्ड करते हैं, जिसके साथ 30 और पैटेंट्स पैटेंट पेंडिंग स्टेज पर है। अब देखिए, करंट सिचुएशन ऐसी है कि कंपनी का 40% रेवेन्यू आता है अनब्रांडेड जेनेरिक से, जो बेसिकली एक लो मार्जिन सेगमेंट है। लेकिन कंपनी के पास इतने सारे पैटेंट्स हैं और इतनी बड़ी R&D टीम भी है, अगर कल को जाके कंपनी इस चीज को लेवरेज कर पाती है तो वो हाई मार्जिन सेगमेंट्स में अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं। अब ये होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे आप बताइए कमेंट करके, क्या आप एमक्योर फार्मा या भारत का कोई दूसरा फार्मा स्टॉक होल्ड करते हैं? और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें।
मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.